हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ पनीर भुर्जी की रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने लिया आप ये 200 ग्राम पनीर, जिसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, एक बड़ा सा टमाटर चॉप किया हुआ, कोरिएंडर चॉप किया हुआ, 3 हरी मिर्ची, जिंजर और गार्लिक चॉप किए हैं ऐसे मैंने, और 1.5 ऑनियन यूज़ किया जिसको भी मैंने छोटे छोटे करके चॉप कर लिया है। पैन में 1.5 टेबलस्पून तेल गरम किया है, जिसपे 3 हरी मिर्ची मैंने तड़का लगाने के लिए डाला है। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा चाहिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उस पर मैंने ऐड किया है क्यूमिन सीड्स, फिर उस पर ऐड किया है जिंजर और गार्लिक जो चॉप किए थे मैंने, उसे ऐड किया है। तो उसे तब तक फ्राई करना है जब तक उससे अच्छा सा एक एरोमा ना आ जाए। जब तक एरोमा नहीं आता तो फ्राई कीजिए मीडियम फ्लेम में। फिर उस पर मैंने ऐड किया है 1.5 ऑनियन चॉप किया हुआ। ऑनियन को फ्राई करने के टाइम पे मैंने सॉल्ट ऐड किया है, तो इससे क्या होता है जो ऑनियन से जो पानी छोड़ता है ना, तो वो एडजस्ट हो जाता है अच्छे से। ऑनियन हल्का फ्राई हो जाने पर उस पर मैंने चॉप किए हुए टमाटर ऐड किया है। दोनों को अच्छे से मिलाना है, टमाटर के साथ ऑनियन को अच्छे से मिला लेना है। अभी इस पर सारे पाउडर मसाला डालनी है। इस पर डाला मैंने 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हल्दी। सारे मसाले को प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिला लेना है। जब मसाले से हल्का तेल छोड़ने लगे तब उस पर ऐड करनी है पनीर। अभी पनीर को ऐड करके मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पनीर जब मसालों के साथ मिलकर तेल छोड़ने लगे और उससे अच्छी खुशबू आने लगे तब समझ लेना चाहिए कि पनीर भुर्जी रेडी है। तो उस पर तभी मैंने ऐड किया है फ्रेशली चॉप किया हुआ कोरिएंडर। अभी कोरिएंडर को इसके साथ अच्छे से मिक्स करके आप 1 टेबलस्पून घी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये जो पनीर भुर्जी है बिल्कुल रेडी है। तो ये पनीर भुर्जी को आप गरम गरम रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।